नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। क्या सिर्फ 90 मिनट में 4463 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है? किसी आम आदमी के लिए तो ये असंभव सा काम है, लेकिन आज सिंगापुर में ये चमत्कार हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक दूसरे से मुलाकात करके दुनिया का 75% जीडीपी बचा लिया है, क्योंकि इसी के साथ दोनों देशों के बीच किसी महायुद्ध का खतरा अब लगभग समाप्त हो चुका है। आज हम ट्रंप और किम के हृदय परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि बंद कमरे में किम और ट्रंप के बीच क्या बात हुई, और तस्वीरों की मदद से हम आपको किम और ट्रंप की केमिस्ट्री का एक अनकट विश्लेषण दिखाएंगे। आध्यात्मिक गुरु एक जीपीएस यानी दिशा सूचक यंत्र की तरह होता है, जो जिंदगी की सड़कों पर भटके हुए लोगों को अक्सर रास्ता दिखाता है। लेकिन अगर उस गुरु को खुद अपने लिए ही कोई रास्ता ना मिले और वो खुद को गोली मार ले, तो ये देखकर दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। आज इंदौर में आध्यात्मिक गुरु भैयू जी महाराज ने खुद अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली, और बताया ये जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे। उनकी मौत के पीछे उनकी कौन सी निजी या राजनीतिक समस्याएं थीं, इसे लेकर आप सुबह से तरह तरह के दावे सुन रहे होंगे और तरह तरह की थ्योरीज देख रहे होंगे। लेकिन हमारा विश्लेषण इस बात पर केंद्रित रहेगा कि एक आध्यात्मिक गुरु का जीवन से इस तरह मोहभंग क्यों और कैसे हुआ। हम अध्यात्म से आत्महत्या तक ले जाने वाले इस किलर डिप्रेशन का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारे देश में लोग एक दूसरे को शारीरिक रूप से फिट रहने का चैलेंज तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसी चुनौतियों में हम मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज मैं आप सबको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की चुनौती देता हूं। आप इसे सकारात्मक विचारों के साथ स्वीकार कीजिए। इसके बाद हम आपको देश की एक ऐसी मां से मिलवाएंगे जिसने कारगिल युद्ध में अपने पति को खो दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने बेटे को सेना में भर्ती होने के लिए तैयार किया। लेफ्टिनेंट हितेश कुमार की कहानी देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। जब उनके पिता शहीद हुए तो हितेश की उम्र सिर्फ 6 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हितेश ने भारतीय सेना में शामिल होने का संकल्प लिया और उन्हें ये संस्कार उनकी मां ने दिए। लेफ्टिनेंट हितेश कुमार उसी बटालियन में शामिल हुए हैं जिसमें उनके पिता काम किया करते थे। इस तरह उन्होंने अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। ये एक माँ की संकल्प शक्ति की कहानी है जो आप सबको अपने बच्चों के साथ जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देख लेते हैं नॉनस्टॉप न्यूज में। आध्यात्मिक गुरु भैयू जी महाराज ने आज इंदौर में खुदकुशी कर ली। इंदौर पुलिस के मुताबिक भैयू जी ने खुद को गोली मारी। भैयू जी का एक सुसाइड नोट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने बहुत तनाव की बात की है। जो प्रथम दृष्टया जो उसमें उपलब्ध जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो सुसाइड नोट मिला है, उसमें तनाव का बताया गया है, लेकिन तनाव का कारण क्या था इस बात का उसमें खुलासा नहीं है। भैयू जी की खुदकुशी पर कांग्रेस ने सियासी साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मुताबिक भैयू जी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी ने दबाव डाला था। मुख्यमंत्री और बीजेपी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कि आप सुविधाएं भी लें और हमारे लिए काम करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। वो मानसिक दबाव में बहुत थे। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद प्रसंग है। उनके अनुयायियों में काफी दुख है इसका। सूत्रों के मुताबिक भैयू जी महाराज की खुदकुशी के पीछे पारिवारिक कलह भी हो सकती है। बताया गया कि भैयू जी महाराज की पहली पत्नी की बेटी और दूसरी पत्नी के बीच नाराजगी थी। भैयू जी दोनों के संबंध सुधारने में लगे हुए थे। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। अटल जी को अगले 2 से 3 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। अस्पताल ने कहा है कि अटल जी पर दवाओं का असर हो रहा है और इन्फेक्शन खत्म होने तक उन्हें अस्पताल में ही रखा जाएगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। अटल जी से मिलने के लिए आज भी कई बड़े नेता एम्स पहुंचे। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री अनंत गीतेश शामिल हैं। अटल जी की सेहत के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। एम्स के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल जी के जल्द ठीक होने के लिए हवन किया। दिल्ली के अलावा भी कई शहरों में अटल जी के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। सोमवार सुबह अटल जी को एम्स में भर्ती कराया गया था। शाम को उन्हें
उन्हें देखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद अस्पताल पहुंचे थे। पीएम करीब 50 मिनट तक एम्स में रहे। इस दौरान उन्होंने वाजपेयी जी के परिवार के सदस्यों और डॉक्टर से उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुंबई में कहा कि अटल जी के बीमार होने के बाद सबसे पहले वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे। वाजपेयी जी के खिलाफ कौन लड़े थे? हम लड़े थे, मगर जब वो बीमार हैं, पहले मैं वहां गया। राहुल गांधी सोमवार शाम को दिल्ली के एम्स में भर्ती अटल जी से मिलने पहुंचे थे। बीजेपी ने राहुल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राहुल गांधी गए, इसका भी इस पर भी सियासत कर रहे हैं। कभी भी इस तरह की ओछी सियासत नहीं हुई है इस पे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत राहुल पर आरोप तय किए। इन धाराओं में दोषी साबित होने पर 2 साल तक कैद की सजा हो सकती है। कोर्ट में पेशी के दौरान राहुल गांधी ने खुद को बेकसूर बताया। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। कोर्ट हैज आस्क्ड हिम वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट, तो उन्होंने उसका इनकार किया, प्लीडेड नॉट गिल्टी, ऐसा उन्होंने बोला। अदालत के बाहर राहुल गांधी ने दावा किया कि वो आरएसएस के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। मेरे ऊपर ये केस तो लगाते रहते हैं, ठीक है, जितने लगाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी विचारधारा की लड़ाई है और मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा और हम जीतेंगे। राहुल गांधी ने मार्च 2014 में भिवंडी की एक चुनावी रैली के दौरान आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। इसके बाद संघ के एक कार्यकर्ता ने राहुल के खिलाफ स्थानीय अदालत में केस दायर किया था। इस मामले में राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज करने की याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके 3 मंत्रियों ने पिछले 28 घंटे से उपराज्यपाल के घर पर डेरा डाल रखा है। बीजेपी का कहना है कि धरने के नाम पर केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। 95% दिल्ली की जनता कहती है अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उनको खींच करके हटा देना चाहिए। इनको तो बस एक नया ड्रामा करना है। केजरीवाल सरकार की मांग है कि उपराज्यपाल आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराए, काम रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले और राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को मंजूर करे। आप मिलिए, सबसे करिए, जैसे भी करना हो आपको। अब इस तरह से धरने पे बैठने का ये शोभा नहीं देता है। चीफ मिनिस्टर की गरिमा होती है, उस गरिमा को नहीं छूना चाहिए। वहीं केजरीवाल एक ट्वीट को रिट्वीट कर इशारों में कांग्रेस को इस मुद्दे पर समर्थन नहीं देने पर राजस्थान और एमपी में साथ न देने की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज 30,000 से लेकर एलजी हाउस तक प्रोटेस्ट मार्च किया। युवा मोर्चा का कहना है कि दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही है, इससे बचने के लिए केजरीवाल धरने का ड्रामा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच ऐतिहासिक बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक अकेले में बात हुई, जिसमें किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों को छोड़ने का फैसला किया। इसके बदले में अमेरिका ने किम जोंग को सुरक्षा देने का भरोसा दिया। We're prepared to start a new history and we're ready to write a new chapter between our nations. 오늘과 같은 이런 자리를 위해서 노력해 주신 트럼프 대통령께 사의를 표합니다. 김 जैसे ही अपना वादा पूरा करेंगे, अमेरिका उन पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने कोरिया प्रायद्वीप में युद्ध अभ्यास नहीं करने का ऐलान भी किया। भारतीय समय के मुताबिक ये मुलाकात सुबह 6:30 से 7:20 तक चली। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो किम जोंग को व्हाइट हाउस भी बुलाएंगे। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच 65 साल में हुई ये सबसे कामयाब बातचीत है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 3:30 से 4:00 के बीच 2 आतंकी हमले हुए। अनंतनाग के गाजीवाड़ा में आतंकियों ने सीआरपीएफ टीम पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 11 जवान घायल हो गए। दूसरा हमला ठीक 15 मिनट बाद करीब 50 किलोमीटर दूर पुलवामा के कोर्ट में हुआ। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान गुलाम रसूल और गुलाम हसन शहीद हो गए। सर, अब इस घर में कोई आमदनी नहीं रही, क्योंकि ये घर का एक मतलब फरन था जो 10 आदमियों को चलाता था।
अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग निकले। आतंकियों ने कल शाम अनंतनाग में सीआरपीएफ के बेकन कैंप के पास हमला किया था। इस हमले में बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के सुरक्षा पिकेट पर तैनात एक जवान घायल हो गया। इफ्तार पार्टी के बहाने विपक्ष की एकजुटता की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कोशिशों को झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगी। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक पहले से तय कार्यक्रम की वजह से ममता राहुल की इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगी। ममता की जगह सांसद दिनेश त्रिवेदी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राहुल की इफ्तार पार्टी में जाएंगे। राहुल गांधी बुधवार शाम को दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। राहुल की इफ्तार पार्टी में एनसीपी के शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, बीएसपी की तरफ से सतीश मिश्रा और आरजेडी के तेजस्वी यादव के शामिल होने की उम्मीद है। इनके अलावा डीएमके, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीएम के नेता भी शामिल होंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब स्थानीय संत महात्मा भी बच्चों को पढ़ाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तहत सरकारी स्कूलों में हर महीने के तीसरे शनिवार को बाल सभाएं होंगी। इन बाल सभाओं में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा के अलावा संतों महात्माओं का प्रवचन भी होगा। बच्चों को बहुत ही संस्कार मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा नागरिक बनने की उनको प्रेरणा मिलेगी, इसके लिए हमने इसका इसमें जोड़ा है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग को प्रयोगशाला बना दिया गया है। अब एक नया नवाचार या यूं कह सकते हैं विटंडावाद करने की कवायद शुरू की है शिक्षा मंत्री ने, जो सुर्खियों बने रहने के लिए यदाकदा इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पश्चिम बंगाल में आसमानी बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान बांकुरा जिले में हुआ। बांकुरा में माँ और बेटी समेत 4 लोगों की मौत हुई है। ईस्ट मिदनापुर, बीरभूम, नॉर्थ 24 परगना और हुगली में एक एक व्यक्ति बिजली की चपेट में आए। 10 जून को कोलकाता में 21 साल के क्रिकेटर की मौत हो गई थी। प्रैक्टिस के दौरान बिजली गिरी जिसमें क्रिकेटर की जान चली गई। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिन से जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड पर आज दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक वेडिंग यानी कूटनीतिक शादी हुई है। आप इसे दो दुश्मनों का मधुर मिलन भी कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन ने करीब 6 घंटों की मुलाकात और 10 बार हाथ मिलाने के बाद अपने बीच की दूरियां कम कर ली है। ऐतिहासिक तस्वीरों से भरपूर इस विश्लेषण में देखने और सुनने के लिए आज बहुत कुछ है। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे क्योंकि ट्रंप और किम जोंग उन का आपस में मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कल तक ये दोनों नेता एक दूसरे से नफरत करते थे, वो एक दूसरे को लगातार धमका रहे थे, लेकिन सिर्फ 6 घंटों में ही ये पूरी केमिस्ट्री बदल गई। मुलाकात के लिए दोनों ही नेताओं को सेंटोसा आइलैंड के कैपेला होटल पहुंचना था और दोनों के होटल्स के बीच की दूरी सिर्फ 804 मीटर थी। अगर वो चाहते तो एक साथ मीटिंग वाली जगह पर पहुंच सकते थे, लेकिन किम जोंग उन मुलाकात वाली जगह पर 7 मिनट पहले पहुंच गए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ट्रंप को सम्मान देना चाहते थे और नॉर्थ कोरिया में इस तरह की परंपरा है कि जब किसी छोटे को बड़े को सम्मान देना होता है तो वो मुलाकात के लिए पहले पहुंचता है। ये उनका सम्मान देने का एक तरीका है। ठीक इसी तरह नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को सम्मान देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति लाल रंग की टाई और सफेद रंग की शर्ट पहनकर आए थे। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रीय ध्वज लाल, सफेद और नीले रंग का है, जिसमें लाल रंग क्रांतिकारी परंपरा का प्रतीक होता है, जबकि सफेद रंग शुद्धता, शक्ति और सम्मान का प्रतीक होता है। और हमने भी इस कवरेज के लिए पूरी तैयारी करके रखी थी, आपको इस विश्लेषण के लिए काफ़ी तैयारी की जी न्यूज़ की टीम ने 2 दिन, और आज मैंने भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वही लाल रंग की टाई और सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी है ताकि इस विश्लेषण में और भी ज़्यादा जान आ सके। यानी दोनों ही नेता ये मन बना कर आए थे कि इस मुलाकात के बाद बेहतर नतीजे निकलने चाहिए और इसके लिए दोनों ही नेताओं ने पर्सनल बॉन्डिंग पर बहुत जोर दिया, चाहे वो कपड़ों की बॉन्डिंग हो, चाहे बॉडी केमिस्ट्री हो, चाहे कोई और बात हो। उदाहरण के तौर पर जब पत्रकारों ने ट्रंप से किम जोंग उन के व्यक्तित्व के बारे में पूछा तो उन्होंने किम को बहुत अच्छा और स्मार्ट इंसान बताया। ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर एक अच्छे नेगोशिएटर और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं।
ट्रंप की इन लच्छेदार बातों का बहुत अच्छा नतीजा निकला और करीब 90 मिनट की बातचीत में ट्रंप ने किम को नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार खत्म करने के लिए राजी कर लिया। इन 90 मिनटों में से 38 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच निजी बातचीत भी हुई। मुलाकात समाप्त होने के बाद किम ने ट्रंप से अंग्रेजी में कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर प्रेसिडेंट। इन दोनों देशों के नेताओं ने आपसी सूझबूझ से सिर्फ 90 मिनट के अंदर विश्व युद्ध के खतरे को टाल दिया है, क्योंकि जब भी युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो उसका सीधा असर अलग अलग देशों के जीडीपी पर पड़ता है और जब विश्व युद्ध होता है तो पूरी दुनिया का जीडीपी तबाह हो जाता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी कई देश बर्बाद हुए थे और तब भारत को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अगर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो जाता तो पूरी दुनिया के जीडीपी को करीब 75% का नुकसान होता। दुनिया का जीडीपी इस समय 5,950 लाख करोड़ रुपए का है, यानी इसका 75% होता 4,463 लाख करोड़ रुपए। दुनिया की 12 सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में भारत के अलावा संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी देश, दक्षिण कोरिया और नेटो के कुछ देश भी शामिल हैं। दुनिया के जीडीपी में इन 12 देशों की करीब 71% हिस्सेदारी है, यानी अगर ये 12 देश किसी युद्ध में फंस जाते तो दुनिया को बहुत नुकसान होता। अब इस मुलाकात से जुड़ी दो बहुत ही दिलचस्प बातें हम आपको बताते हैं। पहली बात यह है कि जिस टेबल पर इन दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए वो टेबल करीब 80 साल पुरानी थी। स्थानीय कारीगरों ने इस टेबल को सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के लिए वर्ष 1939 में तैयार किया था और इस पर किसी जमाने में सिंगापुर के चीफ जस्टिस बैठा करते थे। वहां के स्थानीय अखबार द स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी दूतावास को ये टेबल उधार दी गई थी ताकि ट्रंप और किम के बीच होने वाली मुलाकात का ऐतिहासिक महत्व बना रहे। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात की टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक का समय सिंगापुर के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे रखा गया था और ये मुलाकात शुरू भी ठीक 9 बजे हुई, लेकिन जिस वक्त ये दोनों नेता मिल रहे थे उस वक्त अमेरिका में रात के 9 बज रहे थे और खबरों की दुनिया में इसे प्राइम टाइम कहते हैं, क्योंकि इस समय अलग अलग न्यूज चैनल्स की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होती है और भारत की ही तरह अमेरिका में भी न्यूज देखने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और किम से मुलाकात करके उन्होंने एक महायुद्ध को टाल दिया और अमेरिका में अपनी गिरती हुई टीआरपी को भी सुधार लिया, क्योंकि इस मुलाकात के जरिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के न्यूज चैनल्स पर लगातार नॉनस्टॉप छाए हुए थे। आज हमने तस्वीरों और बयानों की मदद से इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का एक अनकट विश्लेषण तैयार किया है, जिसमें किम जोंग उन की आवाज और डोनाल्ड ट्रंप के हाव भाव का मिश्रण आपको दिखेगा। लेकिन इस वीडियो विश्लेषण से पहले इन दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री का जिक्र करना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर में हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग में दोनों नेताओं ने पहले 60 सेकंड में एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश की। हाथ मिलाने के दौरान दोनों नेता इसे लेकर काफ़ी सतर्क दिखाई दिए। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी जैसे वो ये दिखाना चाह रहे थे कि वही लीडर हैं और वही इस मीटिंग की अगुवाई भी करेंगे। दोनों ने पहली बार करीब 12 सेकंड तक हाथ मिलाया और उस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही नेता पूरी ताकत और गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे। ट्रंप अपने डोमिनेटिंग हैंडशेक्स के लिए मशहूर हैं, वो बहुत ही गर्मजोशी के साथ हैंडशेक करते हैं, लेकिन इस बार किम जोंग उन ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। करीब 6 घंटों की मुलाकात के दौरान कई बार ऐसा देखने को मिला जब ट्रंप ने किम की पीठ और कंधों पर अपना हाथ रख दिया। बॉडी लैंग्वेज की भाषा में ये किसी के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का संकेत होता है। दोनों के बीच हुई बातचीत में सबसे ज्यादा ट्रंप को ही बोलते हुए देखा गया, जबकि किम पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनते रहे। मीटिंग रूम में जाते वक्त कई बार ऐसा भी हुआ जब किम ने ट्रंप की तरफ मुड़कर देखा। हालांकि कुछ मौकों पर अपना नियंत्रण दिखाने के लिए उन्होंने ट्रंप का हाथ भी थपथपाया। हालांकि जब ये दोनों नेता एक साथ बंद कमरे में बैठे तो उस वक्त दोनों ही थोड़े असहज हो गए थे और उनकी नर्वसनेस
साफ दिख रही थी। मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप दोनों हाथों को एक तरीके से एक साथ जोड़कर सीधे बैठे हुए थे। वो अक्सर अपनी ताकत दिखाने के लिए इसी मुद्रा में बैठते हैं। इसका मतलब होता है व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हालांकि इस दौरान उनके हाथों में एक प्रकार की बेचैनी भी देखी गई। बॉडी लैंग्वेज की भाषा में इसे अनिश्चय की स्थिति कहते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होने के बावजूद हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखता है। किम जोंग उन ट्रंप की दाई तरफ बैठे हुए थे, लेकिन वो कुर्सी के सहारे ट्रंप की तरफ थोड़े झुके हुए थे और असहज भी लग रहे थे। हालांकि उन्होंने इस दौरान ट्रंप को पूरा सम्मान दिया। Thank you.
They never stop. I feel really great. We're going to have a great discussion, and I think tremendous success. They'll be tremendously successful. And it's my honor, and we will have a terrific relationship, I have no doubt. Thank you. Mr. President, how's it going so far, sir? Very good. What do you think? Very, very good. Excellent relationship. Thank you. Thank you very much. Chairman Kim, will you denuclearize? Mr. Kim, will you give up your nuclear weapons, sir? Until this point has been unable to be solved. I know that working together we will get it taken care of. So, good honor. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes, come on. Hello, everybody. How are you? Doing great. We have a really fantastic meeting. A lot of progress. Really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line. Really good. We're going right now for signing. Chairman, do you have any comments about denuclearization? I got it out. I got it. So we're signing a very important document, a pretty comprehensive document, and we've had a really great term together, a great relationship, and we're both very honored to sign the document. Thank you. 우리는 오늘 역사적인 이 만남에서 지난 과거를 덮고 새로운 출발을 알리는 그 역사적인 문건에 서명을 하게 됩니다. 세상은 아마 중대한 변화를 보게 될 것입니다. The world will see a major change. 오늘과 같은 이런 자리를 위해서 노력해 주신 트럼프 대통령께 사의를 표합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you very much. Okay. Mr. President, did he agree to denuclearize first? We're starting that process very quickly. Very, very quickly. Absolutely. Mr. President, 100% denuclearization?
You'll be seeing everything in just a little while. The letter that we're signing is very comprehensive, and I think both sides are going to be very impressed with the result. A lot of goodwill went into this, a lot of work, a lot of preparation. I want to thank everybody on both sides, Secretary Pompeo and all of his counterparts. They were absolutely fantastic. Thank you very much. It's fantastic. It's an honor to be with you. Very great honor. Thank you. Thank you to all of your representatives very much. Thank you very much, everybody. Thank you. Invite Chairman Keating to the White House. Absolutely, I will. Okay, would you like to come to Washington? Thank you. Thank you, everybody. Whoops. Here we come. President, what surprised you the most about Chairman Kim? Great personality and very smart. Good combination. Really. Is he a worthy negotiator? Really, he's a worthy negotiator. He's negotiating on behalf of his people. A very worthy, very smart negotiator, absolutely. And we had a terrific day, and we learned a lot about each other and about our countries. So. What did you learn about him? What did you learn about him, sir? I learned he's a very talented man. I also learned that he loves his country very much. When will you see someone again? Most importantly, I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting, the first between an American president and a leader of North Korea, proves that real change is indeed possible. My meeting with Chairman Kim was honest, direct, and productive. We got to know each other well in a very confined period of time, under very strong circumstance. We're prepared to start a new history, and we're ready to write a new chapter between our nations. And as history has proven over and over again, adversaries can indeed become friends. दोनों ने आपस में बैठकर के हाथ मिलाया और किम जोंग उन ने कहा कि आज के बाद से दुनिया बदल जाएगी. आज की तारीख के बाद से ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी. यहाँ से अभी से जो कुछ पीछे हुआ, जो कुछ पास था, मैं उसे छोड़ता हूँ. और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम मिलेंगे, बार बार मिलेंगे. तो 12 तारीख ऐतिहासिक दर्ज हो गई. तो ऐसे में दुनिया शांति के पथ पर चल पड़ी है, उम्मीद यही की जा रही है. और यहाँ से आगे और कई ऐतिहासिक पन्ने लिखे जाने बाकी हैं. संकर्षण मलिक के साथ सचिन अरोड़ा, कैपिटल होटल के बाहर से जी न्यूज़ के लिए सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर. अब आपको इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प तथ्य बताते हैं. पूरी दुनिया में इस मुलाकात की चर्चा हुई, हर देश में इस मुलाकात के बारे में बात हो रही थी और देश के हर कोने में इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया. यानी जिस वक्त दुनिया भर के समाचार जगत में, न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में नॉर्थ कोरिया की चर्चा हो रही थी, ठीक उस वक्त वहां के समाचार चैनलों पर क्या दिखाया जा रहा था, ये सवाल किसी के भी मन में उठ सकता है. इसलिए हमने इस सवाल का जवाब आज जानने की कोशिश की. और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि नॉर्थ कोरिया में इस ऐतिहासिक मुलाकात को उतनी कवरेज नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी. नॉर्थ कोरिया के सरकारी टीवी चैनल कोरियन सेंट्रल टेलीविजन में किम और ट्रंप की मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताया गया. वहां के सरकारी चैनल का प्रसारण भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 11:30 बजे शुरू होता है. लेकिन आज वहां पर जब न्यूज बुलेटिन प्रसारित किया गया तो उसमें सिर्फ इतना बताया गया कि किम जोंग उन सिंगापुर के दौरे पर हैं. प्रसारण की शुरुआत देशभक्ति के एक गीत से हुई और इसके 10 मिनट बाद एक महिला न्यूज एंकर ने किम के सिंगापुर दौरे की खबर पढ़ी. लेकिन इसमें कोई भी वीडियो या तस्वीरें नहीं दिखाई गई. एक बात आपने गौर की होगी,
और वो ये कि काफी लंबे समय बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी कूटनीति का विराट रूप दिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत ही सफल दौरा रहा। भारत भी अमेरिका से ये सीख ले सकता है कि अपने कट्टर दुश्मनों को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए, क्योंकि आज इस बात पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि भारत इस समिट से क्या सीख सकता है। क्या हमारे लिए भी इसमें कोई संदेश है? हमारे लिए संदेश ये है कि हम अपने दुश्मनों से कैसे पेश आए, हम क्या सीख सकते हैं ट्रंप और किम जोंग उन की इस मुलाकात से। अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से अपनी सारी मांगे मनवा सकता है, तो क्या भारत भी पाकिस्तान को बातचीत की टेबल पर लाकर अपनी मांगे नहीं मनवा सकता? भारत के विदेश मंत्रालय को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी पर ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से किम जोंग उन को झुका दिया, आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को बहुत बुरी तरीके से धमकाया, डराया। ट्रंप ने कहा अमेरिका किम जोंग उन का वही हाल करेगा जो लीबिया के तानाशाह गद्दाफी का हुआ था। किम जोंग उन के मन में डर पैदा किया अमेरिका ने। लगातार स्टेटमेंट्स दिए गए, लगातार बयानबाजी हुई। अमेरिका ने अपनी ताकत किम जोंग उन को दिखाई और कहा कि उसकी मिसाइल्स किसी भी दिन नॉर्थ कोरिया तक पहुंच सकती हैं। किम जोंग उन ने, अगर आपको याद हो तो शुरुआत में किम जोंग उन ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट्स दिए और अमेरिका को धमकाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका दबाव में नहीं आया। ट्रंप ने इसके बाद चीन का दौरा किया और चीन को इस बात पर राजी कर लिया कि वो भी अमेरिका के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया पर कुछ दबाव बनाए और नॉर्थ कोरिया को समझाए। इसके बाद चीन को अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के झगड़े के बीच तटस्थ होना पड़ा, न्यूट्रल रहना पड़ा। हालांकि चीन ने इस दौरान नॉर्थ कोरिया की मदद की और रविवार को किम जोंग उन चीन के ही एक स्पेशल विमान से सिंगापुर पहुंचे थे। इस मुलाकात के लिए चीन ने अपना एक स्पेशल विमान प्योंगयांग भेजा था और इसके लिए नॉर्थ कोरिया से उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया। इसके साथ ही ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से नॉर्थ कोरिया के लोगों की हालत बहुत खराब हो गई। इसके बाद किम जोंग उन के सामने बातचीत के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था और इन परिस्थितियों में किम को नॉर्थ कोरिया की जनता का विद्रोह भी झेलना पड़ सकता था। किम जोंग उन को यह समझ में आ गया कि वो बहुत दिनों तक अपनी जनता को परेशान करके अमेरिका का सामना नहीं कर पाएंगे और आखिरकार अमेरिका की कूटनीति का असर दिखाई दिया और किम जोंग उन दबाव में आकर बातचीत के लिए मजबूर हो गए। अब भारत क्या कर सकता है पाकिस्तान के मामले में? भारत को भी कुछ इसी तरह पाकिस्तान को मैनेज करना चाहिए। पाकिस्तान को लगता है कि चीन उसका सबसे करीबी दोस्त है और वो हर मुश्किल घड़ी में उसकी मदद करेगा। पाकिस्तान को इसका भरोसा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान को परेशान किया तो चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आ जाएगा और ऐसा होता भी रहा है। तो सबसे पहले भारत को चीन के सामने ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भारत और चीन के रिश्तों के बीच पाकिस्तान को नहीं लाना चाहिए और भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध की बात है उसमें चीन को न्यूट्रल रहना चाहिए। चीन के न्यूट्रल होने के बाद पाकिस्तान का कूटनीतिक अभियान जमीन पर आ जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं और भारत भी पाकिस्तान को डरा धमकाने की पूरी स्थिति में है। भारत पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नदियों के पानी में कटौती कर सकता है ताकि वहां की जनता विद्रोह करके पाकिस्तान की सरकार पर बातचीत का दबाव बनाए। भारत भी पाकिस्तान की अलगाववादी ताकतों को समर्थन दे सकता है। पहले भी भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े कर चुका है और भविष्य में भी भारत ऐसी हैसियत रखता है कि वो पाकिस्तान के और भी टुकड़े कर सके, लेकिन ये बात पाकिस्तान को समझाना जरूरी है। भारत पाकिस्तान को यह भी बता सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे कदम उठाकर वो पाकिस्तान को घायल कर सकता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान घबरा गया तो नॉर्थ कोरिया की तरह बातचीत के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भारत को वैसी ही ताकत और दमखम और कॉन्फिडेंस दिखाना होगा जैसा अमेरिका ने दिखाया। भारत चाहे तो और भी कई सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान पर कर सकता है आने वाले भविष्य में। आप गौर कीजिए, अमेरिका ने सिर्फ अपनी कूटनीति से एक भी जवान गंवाए बिना नॉर्थ कोरिया से उन्होंने एक भी जवान गंवाए बिना नॉर्थ कोरिया से अपनी मांगें मनवा ली, बिना खून की एक बूंद बहाए।
ट्रंप ने सिर्फ अपनी कूटनीति के दम पर किम जोंग उन का सरेंडर करवा लिया। ये कितनी बड़ी बात है कि एक भी जवान की जान नहीं गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और बिना कोई ऐसी कार्रवाई किए किम जोंग उन से उन्होंने एक तरीके से कूटनीतिक सरेंडर करवा लिया। भारत भी इसी तरह पाकिस्तान को अच्छा पड़ोसी बनने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को भी अपनी कूटनीति का विराट रूप दिखाना होगा और अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा रखना होगा। हालांकि यहां पर एक विरोधाभास भी है, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए नॉर्थ कोरिया का कोई भी बुरा प्रभाव अमेरिका तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। उसे वो सीधे सीधे अपना कोई दुष्प्रभाव अमेरिका तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सीमाएं एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, इसलिए पाकिस्तान में होने वाली हर गतिविधि का असर भारत पर सीधे सीधे पड़ता है और यही फर्क है अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में और भारत और पाकिस्तान में। इसलिए बिल्कुल ठीक ऐसी ही योजना नहीं, बिल्कुल ठीक ऐसी ही स्ट्रैटेजी नहीं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से प्रेरणा लेकर भारत भी बहुत कुछ इस अंदाज में कर सकता है। अब हम एक आध्यात्मिक गुरु भैयू जी महाराज की आत्महत्या का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज देश भर में इस आत्महत्या की लगातार चर्चा होती रही और लोग हैरान थे कि भैयू जी महाराज जैसा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। भैयू जी महाराज ने आज इंदौर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या क्यों की, वो किसी पारिवारिक दबाव में थे या किसी राजनीतिक दबाव में थे, इन तमाम सवालों पर आप तरह तरह के थ्योरीज और विश्लेषण पहले ही सुन चुके होंगे। ज़्यादातर विश्लेषण इस बात पर ख़त्म हो जाएंगे कि आत्महत्या के पीछे कौन से पारिवारिक कारण थे या फिर कोई निजी कारण था, और कौन से ऐसे कारण थे या राजनीतिक कारण था, किस कारण की वजह से भैयू जी महाराज ने आत्महत्या की थी। लेकिन हमारा विश्लेषण यहीं से शुरू होता है जहां बाकी के विश्लेषण समाप्त होते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भैयू जी महाराज जैसे लोगों को आत्महत्या करने से रोका जा सकता है, क्या भैयू जी महाराज को बचाया जा सकता था, और उनके जैसे जो लाखों लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, क्या उन्हें बचाया जा सकता है। हमारे देश की विडंबना यह है कि हमारे देश में मीडिया जब आत्महत्या की खबर आपको पहुंचाता है तो सिर्फ ये बताता है कि आत्महत्या हुई और फिर ये बताता है कि आत्महत्या क्यों हुई, किस व्यक्ति की वजह से हुई, किन कारणों की वजह से हुई और किस दबाव की वजह से हुई, और उसके बाद वो विश्लेषण समाप्त हो जाता है। लेकिन हम इस बात का विश्लेषण करना चाहते हैं, हमारा विश्लेषण इस बात पर केंद्रित रहेगा कि एक आध्यात्मिक गुरु का जीवन से मोहभंग क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या उसकी जान बचाई जा सकती थी। भैयू जी महाराज का सिर्फ 6 लाइन का एक सुसाइड नोट मिला है जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कोई होना चाहिए जो मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाए। उन्होंने लिखा है वो जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत तनाव में है और वो बहुत परेशान हो चुके हैं। आध्यात्मिक गुरु एक GPS यानी दिशा सूचक यंत्र की तरह होता है जो जिंदगी की सड़कों पर भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है, और आप में से बहुत सारे लोग इसी तरह जब अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं तो आप सब आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते हैं ताकि वो आपको सही रास्ता दिखा सकें। लेकिन अगर उसी गुरु को खुद अपने लिए ही कोई रास्ता ना मिले और वो खुद को गोली मार ले तो ये देखकर दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। भैयू जी महाराज के सुसाइड नोट से ऐसा लगता है कि उन्हें अपने लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और इसी तनाव में उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या की एक बड़ी वजह है डिप्रेशन, और ये सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु की समस्या नहीं है, ये भारत के लगभग हर व्यक्ति की समस्या बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2015 में भारत में 5,66,00,000 से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार थे, जो भारत की कुल जनसंख्या का 4.5% है। 36% भारतीय लोगों को उनके जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन ज़रूर हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले 42.5% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। आत्महत्या करने की एक बड़ी वजह डिप्रेशन होता है, और हमारे देश में डिप्रेशन के शिकार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे देश में जिन लोगों को डिप्रेशन है भी, सबसे पहली बात तो ये कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं।
और अगर वो डिप्रेशन के शिकार होते भी हैं तो वो ये नहीं जानते कि इसका इलाज कैसे करना है। पूरी दुनिया में हर वर्ष करीब 7,88,000 लोग आत्महत्या करते हैं और इनमें से लगभग हर छठा इंसान भारतीय होता है, भारत में होता है। भारत में वर्ष 2011 से 2015 तक 5 वर्षों में कुल 6,71,118 लोगों ने आत्महत्या की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया की सुइसाइड कैपिटल भी कहा है और इसमें सबसे बड़े खलनायक की भूमिका निभाई है डिप्रेशन और अकेलेपन ने। हमें इस प्रवृत्ति को हराना होगा क्योंकि जीवन की कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए आत्महत्या कर ली जाए। भय्यू जी महाराज ने डिप्रेशन में जो किया वो किसी को नहीं करना चाहिए। दुनिया की कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि उसके लिए अपनी जिंदगी खत्म कर ली जाए। कुछ सपने जिंदगी बन जाते हैं और कुछ जिंदगियां सपनों में खो जाती हैं। सपनों को जिंदगी में बनाना इसे हकीकत बोलते हैं और जिंदगियों का सपने में खो जाना इसे कल्पना कहते हैं। कल्पना में एक स्वर्ग भी है जिसका अभी कभी हमने अनुभव नहीं किया। कल्पनाओं और सपनों की उड़ान को छोड़कर भय्यू जी महाराज दुनिया से चले गए। पूरे देश ने भय्यू जी महाराज का नाम तब सुना था जब 2011 में उन्होंने अन्ना हजारे का अनशन तुड़वाया था। 2011 में नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें अपना सद्भावना उपवास खुलवाने के लिए बुलाया था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वो लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बड़ा काम कर रहे थे। गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाते थे, शिष्यों से गुरु दक्षिणा के नाम पर एक पेड़ लगवाते थे और तालाब भी खुदवाते थे। महाराष्ट्र में भय्यू जी महाराज को राष्ट्र संत का दर्जा मिला था, लेकिन वो जरा दूजी किस्म के संत थे क्योंकि वो कभी मॉडल भी हुआ करते थे और तब उनका नाम होता था उदय सिंह देशमुख। पहली पत्नी के देहांत के बाद पिछले वर्ष ही उन्होंने दूसरी शादी की थी, लेकिन आज अचानक उनकी आत्महत्या की खबर आई। इंदौर के इसी घर में भय्यू जी महाराज ने खुद को गोली मार ली। घर में उनकी पत्नी और मां थी। बताया जा रहा है कि भय्यू जी महाराज अपनी बेटी के कमरे में गए और गोली मार ली। तुरंत उन्हें इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्य तौर पे इतनी जल्दी की निष्कर्ष पे पहुंचना जल्दबाजी होगी कि आखिर इसकी तत्कालिक वजह क्या थी, लेकिन निश्चित तौर पे पुलिस एक दो दिनों अगले 24 घंटों में इस तक पहुंच जाएगी तहां तक, और इसमें जो भी वहां पे फुटेज हैं, जो कॉल डिटेल्स और बाकी जो जानकारियां जो इस मामले को खुलासा कर सकती हैं। घटना की जानकारी मिलते ही भय्यू जी महाराज की बेटी पुणे से इंदौर पहुंची। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भय्यू जी महाराज पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। वो मानसिक दबाव में बहुत थे, तो मैं समझता हूँ कि जो मौत हुई है उन्होंने खुदकुशी की है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में करोड़ों पौधे लगाए थे और इसे महाघोटाला बताकर कुछ संतों ने नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया। इन 5 संतों को मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल अप्रैल में राज्य मंत्री का दर्जा दिया, लेकिन भय्यू जी महाराज ने सरकार के इस ऑफर को लेने से इनकार कर दिया। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि भय्यू जी महाराज पर सरकार का दबाव था। भय्यू जी महाराज मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए एक अच्छे संत थे। उनकी सभी लोग श्रद्धा से उनका आदर से सम्मान करते थे और पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया। उन्होंने सारी सरकारी सुविधाएं लौटा दी थी। मुख्यमंत्री और बीजेपी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कि आप सुविधाएं भी लें और हमारे लिए काम करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। वो मानसिक दबाव में बहुत थे, तो मैं समझता हूँ कि जो मौत हुई है उन्होंने खुदकुशी की है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। संत समाज ने तुरंत गहरा दुख प्रकट किया हम लोगों ने, क्योंकि भय्यू महाराज ने आत्महत्या कर ली है और अपने ऊपर गोली मार लेना ये समझ के परे हैं। ऐसे साधु संत के रूप में उन्होंने गृहस्थ संत थे और ऐसा काम करना ठीक नहीं था। जांच के बाद ही पता चलेगा। जो जानकारी मिल रही है कि पारिवारिक मामले में क्या हुआ, घर में उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने पर गोली चलाकर आत्महत्या किया,
ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लग गया। भाइयों जी, महाराज जैसे एक महाराज होते हुए भी सामाजिक काम बहुत बड़ा किया उन्होंने। बहुत चिंता का विषय, पर फिर परिस्थितियां इशारा करेंगे कोई ना कोई बड़ा संदेह इसके पीछे जरूर है, कोई ना कोई घटनाक्रम ऐसा है जो लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के व्यक्तित्व भाइयों जी महाराज थे वो आत्महत्या करने वाले व्यक्तित्व तो कतई नहीं थे, इसलिए इसकी गंभीर जाँच हो और लोगों को सच और सत्य बताया जाए। सवाल यह है कि कांग्रेस ने किस आधार पर यह आरोप लगाए हैं? कांग्रेस के पास कोई सबूत है तो उसे जांच एजेंसियों को देना चाहिए। कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, इंदौर। इतने बड़े बड़े लोग जो जीवन में इतने ऊंचे पदों पर रहते हैं वो आत्महत्या का फैसला कैसे कर लेते हैं? हाल ही में फ्रांस के एक होटल में अमेरिका के सेलिब्रिटी शेफ एंथनी बॉर्डेन ने भी आत्महत्या कर ली थी। वो 61 वर्ष के थे और वो भी डिप्रेशन में थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्विटर पर अपनी और एंथनी बॉर्डेन की एक तस्वीर भी पोस्ट की थी और ये तस्वीर 2016 की है जिसमें ये दोनों वियतनाम के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं साथ बैठकर। इसके अलावा अमेरिका की जानी मानी फैशन डिजाइनर केट स्पेड ने भी पिछले हफ्ते आत्महत्या कर ली थी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में आत्महत्या की जब वो अपने करियर के सबसे ऊंचे और सफल मुकाम पर थे। ऐसे कुछ लोगों के नाम आज हम आपको और बताना चाहते हैं। लिंकिन पार्क बैंड के मशहूर गायक चेस्टर बेनिंगटन ने जुलाई 2017 में आत्महत्या की थी। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित अभिनेता रॉबिन विलियम्स ने भी अगस्त 2014 में आत्महत्या कर ली थी और वो भी गंभीर डिप्रेशन में थे। अप्रैल 1994 में मशहूर गायक कर्ट कोबेन ने भी सिर्फ 27 साल की उम्र में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और वो भी डिप्रेशन में थे। इन आत्महत्याओं के बारे में बताकर हम आत्महत्या को महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सकारात्मक सोच और बातचीत से जीवन की हर मुसीबत को हराया जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग एक दूसरे से अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि कैसे हैं आप, कैसे हो, क्या हालचाल है, और इस सवाल का एक ही जवाब मिलता है, हम बढ़िया हैं या हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ऐसा जवाब देने वालों को खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या वो सचमुच ठीक हैं या फिर उन्हें डिप्रेशन ने जकड़ लिया है। अक्सर लोग एक दूसरे से ये कहते हैं कि आजकल लाइफ में बहुत टेंशन है, लेकिन कोई इस वाक्य को गंभीरता से नहीं लेता और इस तनाव को लोग समझ ही नहीं पाते। हमारे देश में लोग एक दूसरे को शारीरिक रूप से फिट रहने का चैलेंज तो दे रहे हैं, आपने देखा होगा, लेकिन ऐसी चुनौतियों में हम मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। शरीर तो स्वस्थ होना ही चाहिए, लेकिन क्या आपका दिमाग भी स्वस्थ है? इसलिए आज हम आप सबको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की चुनौती देना चाहते हैं। इसे सकारात्मक विचारों के साथ स्वीकार कीजिए। और आज का जो विश्लेषण था वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि क्या ये सारे लोग जिनके नाम हमने आपको बताए और लाखों ऐसे लोग जो हर साल आत्महत्या करते हैं जिनके नाम शायद आप नहीं जानते, क्या इन सारे लोगों को बचाया जा सकता था? क्या हम इन लोगों को बचा सकते हैं और क्या हम डिप्रेशन को, तनाव को, टेंशन को भगा सकते हैं, हरा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है और आगे से जब भी आप किसी का हालचाल पूछें और वो कहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति वाकई ठीक है या फिर उस व्यक्ति के पीछे उसके मन में कुछ और चल रहा है। हमें पूरा यकीन है कि ये सारे लोग जिन्होंने आत्महत्या की, अगर इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता या काउंसलिंग मिल जाती या ये किसी मनोवैज्ञानिक के पास चले जाते तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या के अपने फैसले को टाल देते। हर सिपाही जो सीमा पर लड़ रहा होता है वो एक माँ का बेटा होता है। हर माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब एक माँ अपने देश को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती है तभी वो अपने बेटे को सीमा पर भेजने का कठिन फैसला ले पाती है। आज हम आपको देश की एक ऐसी माँ से मिलवाएंगे जिसने कारगिल युद्ध में अपने पति को खो दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने बेटे को सेना में भर्ती होने के लिए तैयार किया। और जब उनका बेटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शामिल हुआ तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।
ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड की कुछ तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और देश के लिए बलिदान देने की भावना आपको साफ दिखाई देगी। ये तस्वीरें हर साल आती हैं, लेकिन इस बार ये तस्वीरें खास हैं। ये 383 आर्मी ऑफिसर्स अब भारत की सेना में शामिल हो चुके हैं और इन्हीं 383 जवानों में से एक हैं लेफ्टिनेंट हितेश कुमार। लेफ्टिनेंट हितेश कुमार के पिता बचन सिंह राजपूताना राइफल्स की 2nd बटालियन में लास्ट नायक के पद पर तैनात थे। कारगिल युद्ध के दौरान उनके सिर में दुश्मन की गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए थे। उस वक्त हितेश की उम्र सिर्फ 6 साल थी। इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हितेश ने सेना में शामिल होने का संकल्प लिया और उन्हें ये संस्कार उनकी मां ने दिए। हितेश कुमार अब सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हो चुके हैं और वो उसी बटालियन में शामिल हुए हैं जिसमें उनके पिता किसी जमाने में काम किया करते थे। इसी तरह उन्होंने अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आज आपको यह भी सोचना चाहिए कि उस मां का दिल कितना बड़ा होगा जिसने अपने पति की शहादत के बाद अपने बेटे को भी सेना में भेजा। ऐसे ही बलिदानों की वजह से आज हम भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। आज पूरे भारत को इस मां की संकल्प शक्ति को प्रणाम करना चाहिए। पिता जो बलिदान दिया है वो प्रेरणा रहे हैं मेरे लिए, बस उन्हीं के लिए किया है जो भी है और उन्हीं का नाम रोशन करना था। टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, जय हिंद। बाद में इनके होते होते दिमाग में यही आ गया इन्हें अफसर बनाना है, बस फिर आर्मी में भेजना है इनको। देश के लिए बलिदान से बड़ा कुछ नहीं। अपने पिता बचन सिंह की तस्वीर की छांव में बैठा ये लेफ्टिनेंट हितेश कुमार का परिवार है। हितेश कुमार की मां कामेश बाला ने आज अपने बेटे को भी देश के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1999 में कारगिल के युद्ध में उनके पति लांस नायक बच्चन सिंह ने अपने प्राण देश के लिए न्योछावर कर दिए थे। अब भारत की सेना में शामिल होकर उनके बेटे ने भी माता पिता का सपना पूरा कर दिया है। आप कुछ भी करें जीवन में, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जरूरी नहीं है कि केवल सिर्फ आप फौज में ही आए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप अपने माँ बाप को देखिए, उनका नाम रोशन कीजिए, उनको देखकर जिए, उनके संघर्ष को देखिए। बस मेरे बेटों की बड़ी हिम्मत और बड़ी हौसला है कि उन्होंने इतना सम्मान दिया मुझे। पासिंग आउट परेड की ये तस्वीरें बहुत खास हैं। देश की सेवा का मौका मिलने से उत्साहित इन्हीं जवानों में शामिल हैं लेफ्टिनेंट हितेश कुमार। हितेश कुमार के पिता तब शहीद हुए थे जब वो सिर्फ 6 साल के थे। हितेश के पिता लांस नायक बच्चन सिंह कारगिल में तोलोलिंग की लड़ाई में शहीद हो गए थे। बचपन में ही हितेश कुमार ने ये संकल्प लिया था कि वो सेना में अफसर बनकर देश की सेवा करेंगे। आज जब ये सपना पूरा हुआ तो हितेश कुमार की माँ कामेश बाला की आंखों में खुशी के आंसू थे। संघर्ष तो बहुत किया बस इनको याद कर, मतलब बस ऐसे ही मैं भाई कितनी परेशान रहती थी, कभी रोने लगती थी, कभी कुछ काम, मतलब बीमारी भी बहुत लग गई मुझे। इनको बाहर भेजा, पर मैंने ये सोचा कि इनको बाहर भेजूंगी तो तब अच्छा रहेगा और ये पढ़ लिख कर अच्छा आएंगे, घर पास में रहेंगे शायद नहीं पढ़ पाए, तो मैंने बाहर भेजा तो मेरे बेटे पढ़ के बहुत अच्छी तरह और आज अफसर बन गए। हितेश कुमार और उनकी माँ की यादें कारगिल के युद्ध से जुड़ी हुई हैं। उस टाइम पे मैं अपने घर पे थी, इनकी छुट्टी पड़ी हुई थी तो मैं घर पे गई हुई थी, तो वहाँ से फोन आया था सुबह के टाइम, तब पता चला था कि ऐसे हो गया
अब स्टैम्प फोन सुनने के बाद तो मतलब पता ही चल जाता है कि हालत क्या हो जाती है। ये सोच दिमाग में यही सोचा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तब फिर हम घर आए, उनकी मतलब डेड बॉडी 4-5 दिन के बाद आई है। तो तब तक तो मतलब इतनी हालत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद में भी काफ़ी दिन तक ऐसे ही रही है। उस बाद शाम तो नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं। हाँ, उसके बाद मैं 1 साल के बाद ही मैं सोचने लगी कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और इनको कुछ बनाना है। पति की मौत ने पूरा जीवन तहस नहस कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी माँ की जिम्मेदारी भी निभाई और देश की जिम्मेदारी भी निभाई। मेरा खुशी का जो स्तर है वो बहुत बता नहीं सकता आपको, आसमान छू रहा है आज। और मैं बचपन का सपना मेरा पूरा हुआ है, बस यही कह सकता हूँ, क्योंकि माँ का सपना था ये, और पिता जो बलिदान दिया है वो प्रेरणा रहे हैं मेरे लिए। माँ का संघर्ष समझिए कि 7 साल अकेली रही है हमारे बिना, दोनों के बिना, और फिर आगे रहा है। उनकी जिम्मेदारी कितनी है, प्रेशर कितना रहा होगा उन पे कि भाई बच्चे कामयाब करने एक दिन। हितेश को अपने पिता की बटालियन 2nd बटालियन ऑफ राजपुताना राइफल्स में ही रहकर देश की सेवा का मौका मिला है। युद्ध के मैदान में जीत हमेशा उसकी होती है जिसकी तैयारी पूरी हो। आधी अधूरी तैयारी के साथ उतरा हुआ बहादुर योद्धा भी कई बार जंग के मैदान में कमजोर साबित हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत और नेपाल के सैनिकों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। आप इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत और नेपाल की 1 और 1/11 वाली तैयारी भी कह सकते हैं। भारत और नेपाल के सैनिकों ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की है जिसका नाम है सूर्य किरण 13। 14 दिन तक चले इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के कुल 600 सैनिकों ने हिस्सा लिया। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज इस तरह डिजाइन की गई है ताकि दोनों देशों के सैनिक किसी आतंकवादी हमले से निपटने के दौरान एक दूसरे के काम करने के तरीके को ठीक से समझ पाए। इसके लिए एक काल्पनिक वॉर जोन बनाया गया ताकि सैनिकों की काबिलियत को करीब से देखा जा सके। यहाँ आपको एक और बात समझने की ज़रूरत है कि भारत और नेपाल के संबंध बहुत गहरे हैं। रिश्तों की भाषा में कहा जाए तो भारत नेपाल का बड़ा भाई है। युद्ध की तकनीक और हथियारों के मामले में भारत नेपाल की लंबे समय से मदद करता रहा है। भारतीय सेना में नेपाली मूल के करीब 25,000 सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुल मिलाकर भारत और नेपाल का सांस्कृतिक और सैन्य रिश्ता बहुत पुराना और अटूट है, लेकिन चीन को ये भाईचारा अच्छा नहीं लगता। भारत पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए चीन नेपाल का इस्तेमाल करना चाहता है, जैसा कि वो पाकिस्तान के साथ भी करता है। ऐसे में भारत और नेपाल का सूर्य किरण अभ्यास चीन को एक अच्छा जवाब है। हमारी टीम ने पिथौरागढ़ जाकर भारत और नेपाल की इस केमिस्ट्री को करीब से समझने की कोशिश की है। नेपाल के गोरखा सैनिकों का लंबे अरसे से भारत की सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत और नेपाल की सेनाएं जो रिश्ता साझा करती हैं वो दुनिया की किन्हीं भी दो सेनाओं के बीच में नहीं है। भारत और नेपाल की सेनाएं नियमित अंतराल के बाद आपसी रिश्तों को एक बार फिर से आजमाती हैं और उन्हें ताजा करती हैं।
इस समय यहाँ पिथौरागढ़ के जंगलों में भारत नेपाल और चीन की सीमा के ट्राई जंक्शन के पास दोनों ही देशों की सेनाएं एक बार फिर से अपने रिश्तों को मजबूती दे रही हैं। ये किसी भी सैनिक की महारत का एक जबरदस्त नमूना है और उसकी कुशलता की बहुत जबरदस्त परीक्षा भी। सामने जो टारगेट हैं वो अलग अलग रंग के हैं, उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके उनको बर्बाद करना है, उनको ख़त्म करना है। बीच में जो हरे टारगेट्स हैं वो सिविलियन हैं या दोस्त हैं जिनको नुकसान नहीं पहुँचना है। भारतीय सेना ऐसे अभियान अक्सर करती रहती है और दरअसल यही वो महारत है जो नेपाली सेना को सिखाना चाहती है। भारत में अभी ये बहस चल रही है कि महिलाओं को सेना में कॉम्बैट रोल में उतारा जाए या नहीं। कॉम्बैट रोल यानी सेना के वो हिस्से जो दुश्मन से सीधे भिड़ते हैं, यानी इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर्ड। लेकिन नेपाल की सेना में महिलाएं कॉम्बैट रोल में पहले से ही हैं और यहाँ भारत और नेपाल के बीच में जो साझा युद्धाभ्यास चल रहा है उसमें भी ये महिलाएं जो कॉम्बैट रोल में हैं वो आई हैं। ये सारी की सारी महिलाएं जो नेपाल की हैं वो श्री गोरखबख्श बटालियन की हैं, जो एक इन्फेंट्री बटालियन है। लेकिन भारतीय सैनिक अफसर जो हैं वो आर्मी मेडिकल कोर की हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसी कॉम्बैट रोल में है जिस रोल में नेपाल की महिला अधिकारी हैं। और अभी फिलहाल ये जंगल में आतंकवादी या दुश्मनों से मुकाबला कैसे किया जाता है इसके हुनर को आजमा भी रही हैं, परख भी रही हैं और उसको निखार भी रही हैं। भारतीय सेना की आर्मी मेडिकल कोर की कैप्टन सोनाली बहल हैं जो साथ में यहाँ जंगल लेन शूटिंग कर रही हैं नेपाली सैनिक अधिकारियों की। कैप्टन बहल, आप डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ पे आप एक एकदम कॉम्बैट रोल में हैं। आप जो सबसे ज़्यादा मुश्किल टेक्निकल ट्रेनिंग होती है जंगल लेन फायरिंग की, आप घने जंगल में जा रही हैं और उसमें आपको टारगेट को इंगेज करना है, दुश्मन को ख़त्म करना है, उस रोल के बाद इस रोल में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लग रहा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि हमें बहुत साल डॉक्टर होने का ट्रेनिंग दिया गया और वो हम अभी भी ले रहे हैं। उसी तरह आर्मी में हमको हर टाइम एक सोल्जर होने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है और ये उसी ट्रेनिंग का पार्ट है। हम लोग यहाँ पे कॉम्बैट रोल में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेडिकल रोल जो हमारा है हम उसको निभा रहे हैं, पर उसके अलावा हर प्रकार का ड्रिल कर रहे हैं। हम बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स कर रहे हैं, हम जंगल इन शूटिंग कर रहे हैं, हम स्लिदरिंग कर रहे हैं, हम रॉक क्राफ्ट क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तो हर चीज़ में हमारी भागीदारी है, एज अ मेडिकल ऑफिसर ऑल्सो, एज अ सोल्जर ऑल्सो। जब इस तरह की दो एक्सरसाइजेज होती हैं तो दोनों ही देशों को फायदा क्या होता है? इस एक्सरसाइज सूर्यकिरण 13 का मेन एम है कि जो दोनों देशों का वास्ट एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर में, इस दोनों एक्सपीरियंसेस का पूरा फ़ायदा उठा के एक दूसरे से सीख सकें और साथ ही इस एक्सरसाइज के दौरान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ, जिसमें भी दोनों फौजों का काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख पाएँ और जानकारी हासिल करें और साथ ही मित्रता को भी बढ़ाएँ। और इस बारी लेडी ऑफिसर्स और वुमेन सोल्जर्स, लेडी सोल्जर्स ने भी हिस्सा लिया है और लोएस्ट लेवल, सेक्शन लेवल से इस ट्रेनिंग साथ में ही की गई है और दोनों देशों का जो कॉन्फिडेंस लेवल लोएस्ट लेवल पे है और मित्रता वो भी देखी गई है और दोनों लेडीज सोल्जर्स और ऑफिसर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान। लड़ाई शहरों में कमरों तक आ चुकी है। आपने देखा होगा चाहे मुंबई पर हमला हो, अक्षरधाम पर हमला हो या हर रोज कश्मीर में होने वाले ऑपरेशंस जिनमें सेना को घरों के अंदर घुसना पड़ता है और वहाँ आतंकवादियों से मुकाबला करना होता है। घर के अंदर जो लोग हैं उनको कई बार बचा के और फिर आतंकवादियों के ऊपर, दुश्मनों के ऊपर हमला करना पड़ता है और ये महारत सेना हासिल करती है इस किस्म की रेंज में, शूटिंग रेंज में, इंडोर कॉम्बैट शूटिंग रेंज में।
और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1964 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका में विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा दी गई थी। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाकर मंडेला को राजनीतिक कैदी बना दिया गया था और 27 वर्षों तक जेल में रहने के बाद 1990 में नेल्सन मंडेला की रिहाई हुई और 10 मई 1994 को वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए। नेल्सन मंडेला को 40 वर्षों में करीब 250 से ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल है। वर्ष 1975 में आज ही के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1971 के चुनावों में हासिल की गई लोकसभा चुनाव की जीत को अवैध घोषित किया था। इंदिरा गांधी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। अदालत ने उन्हें पद छोड़ने का आदेश दिया और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। और आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1971 के चुनाव में मिली हार के बाद विपक्षी नेता राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी, जिसके 4 साल बाद अदालत ने अपना ये फैसला सुनाया और इसी फैसले के बाद 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। इस दिन को बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 15 करोड़ 20 लाख बच्चे आज भी बाल मजदूरी करने पर मजबूर हैं। वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के बच्चों की कुल आबादी में से 3.9% आबादी यानी भारत के करीब 1 करोड़ 10 लाख बच्चे अब भी बाल मजदूरी कर रहे हैं। और चंडीगढ़ के मशहूर रॉक गार्डन को बनाने वाले नेकचंद सैनी का निधन आज ही के दिन वर्ष 2015 में हुआ था। रॉक गार्डन निर्माणाधीन स्थलों से उठाए गए सामान को रिसाइकल करके बनाया गया है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1957 में हुई थी। हालांकि प्रशासन को इसका पता 1975 में लगा। आपको बता दें कि रॉक गार्डन एक निजी पहल थी। इस वजह से रॉक गार्डन को एक वक्त ऐसा भी आया जब इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन आम लोगों के समर्थन की वजह से रॉक गार्डन का अस्तित्व बना रहा। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी जिंदगी की कीमत को समझिए और डिप्रेशन और तनाव को कभी भी हल्के में मत लीजिए। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने परिवार में या अपने किसी करीबी दोस्त से इस बारे में बात कीजिए या फिर डॉक्टर की मदद लीजिए। नमस्कार।